नमस्कार बोल्सकाय में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के वर्षों से पपीते का सेवन किया जाता रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि पपीते में कई ऐसे विटामिन और यौगिक गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को कई गंभीर रोगों से सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते हैं। कोरोना के इस दौर में जब लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ऐसे में इस फल का सेवन काफी लाभदायक हो सकता है। पपीते को विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। वेल, अब सवाल ये आता है कि क्या पपीते को आपको नाश्ते में खाना चाहिए या फिर नहीं। इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पपीता एक बेहद फायदेमंद फल है जो आप नाश्ते में जरूर खा सकते हैं। पपीते में कई प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो उम्र संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं पपीते में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक नीली प्रकाश किरणों को फिल्टर करता है, ऐसे में ये आँखों को भी स्वस्थ बनाने में काफी मददगार होता है। वेल, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पपीता नाश्ते में खाना चाहिए या नहीं, तो आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो से जान गए होंगे। आप भी अब नाश्ते में पपीता खा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें बोल्सकाय के साथ।